हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू PCL ट्यूटोरियल्स। दिस इज़ द येट अनदर वीडियो फॉर द यूनिट 3 जो आपके बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट कोड BP605T में, जो कि बैचलर्स इन फार्मेसी में थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर्स में पढ़ाया जाने वाला सब्जेक्ट है, उससे एक टॉपिक है स्टोरेज कंडीशन एंड स्टेबिलिटी ऑफ ऑफिशियल वैक्सीन्स। तो हम उससे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चंस कम हो सकते हैं, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन आपको दिया जा रहा है इट इज़ मोर देन सफिशियंट। तो एक्सप्लेनेशंस को बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, द रेफ्रिजरेटेड टेम्परेचर ऑफ ऑफिशियल वैक्सीन इज़। तो रेफ्रिजरेटेड टेम्परेचर की बात की जा रही है, ठीक है। तो इसका देखते हैं, ये ऑप्शंस ये रहे हैं आपके सामने। तो इसका जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट, दैट इज़ 2 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। रेफ्रिजरेशन की बात कर रहे हैं तो 2 से 8 डिग्री सेल्सियस, और अगर हम इसे फ़ारेनहाइट में बात करें तो 35 से 46 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। अगर हम फ़ारेनहाइट की बात करते हैं तो 35 to 46 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये होता है, ठीक है। और अगर सारे ही वैक्सीन्स को रेफ्रिजरेशन की रिक्वायरमेंट होती है, ये आपको पता है, बिना रेफ्रिजरेशन को कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अब अगर हम एक एवरेज टेम्परेचर की, अगर आपसे पूछा जाए स्टूडेंट्स की एवरेज टेम्परेचर कितना होता है, अगर आपके पास ये 2 ऑप्शंस हैं तो चलिए ठीक है, 2 से 8 है, या फिर 35 and 46 है, 35 and 46 है तो भी ठीक है। लेकिन अगर एवरेज टेम्परेचर की बात की जाए तो आप कितना बोलेंगे? तो अगर आपसे एवरेज पूछा जाए ना स्टूडेंट्स, तो एवरेज होता है, देखिए, 5 डिग्री सेल्सियस। बहुत सिंपल है, 8 + 2 = 10, 10 / 2, दैट इज़ 5 डिग्री सेल्सियस। और अगर हम फ़ारेनहाइट में उसी को बात करें तो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, ओके। ये एवरेज टेम्परेचर की बात हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरिसेला कंटेनिंग वैक्सीन शुड बी स्टोर्ड एट अ टेम्परेचर। तो वेरिसेला वैक्सीन्स की बात हो रही है तो उनको कितने टेम्परेचर पे रखना चाहिए, यहाँ आपके पास ऑप्शंस दिख रहे होंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, -50 to -15 डिग्री सेल्सियस। तो वेरिसेला वायरस को रखने के लिए क्या टेम्परेचर सजेस्ट किया गया? -50 से -15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, वेरिसेला वायरस को, ठीक है। अगर ये माइनस में गया, ऐसे बात करें, मतलब कि इट शुड बी कैप्ट फ्रोजन फॉर सम लायोफिलाइज्ड वैक्सीन्स, ठीक है, फ्रोजन है यहाँ पर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, BCG वैक्सीन्स शुड बी स्टोर्ड इन। तो BCG वैक्सीन्स की बात कर रहे हैं, बैसिलस कालमेट ग्वेरिन की बात की जा रही है, तो उसको आप किस में रखोगे? तो यहाँ देखिए आपके पास है इतने सारे ऑप्शंस, ये देखिए, ये है एम्बर ग्लास, सोडा लाइम। तो करेक्ट आंसर है इसका स्टूडेंट, एम्बर ग्लास बॉटल में हम रखते हैं BCG वैक्सीन्स को। क्यों? क्योंकि इट शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द सनलाइट, ठीक है। एम्बर ग्लास बॉटल का कॉन्सेप्ट यही होता है कि सनलाइट से प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रिटिकल फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द स्टेबिलिटी ऑफ वैक्सीन इज। तो वैक्सीन की स्टेबिलिटी को सबसे ज़्यादा जो इन्फेक्ट करता है वो क्रिटिकल फैक्टर क्या है? देखिए, जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्रिटिकल फैक्टर है ना वैक्सीन की स्टेबिलिटी का, दैट इज़ टेम्परेचर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ वैक्सीन ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट इज़ नोन एज। अब वैक्सीन एक ही जगह तो नहीं बन रही भाई, एक जगह बन रही है, दूसरी जगह ले जा रहे हैं उसको, तो इस दौरान भी टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम स्टूडेंट्स द कोल्ड चेन प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे स्टोरेज ऑफ वैक्सीन से कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं समझ में, कोई चीज़ नहीं आ रही है, कोई और क्वेश्चंस है माइंड में, तो आप वो मुझसे क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगी। आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट करके कुछ बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। योर सजेशंस आर ऑलमोस्ट वेलकम एंड एवरी टाइम दे आर वेलकम बाय मी। मैंने हमेशा कहा है, जो कन्फ्यूजन हो आप मुझे पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है, क्योंकि गलतियां किसी से भी और कभी भी कहीं भी हो सकती है, ठीक। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। टाइम बहुत कम है, सारे क्वेश्चंस अच्छे से कीजिए, रिवीजन
स्टार्ट कीजिए. दिस इज़ बेसिकली फॉर योर रिवीजन पर्पस. आई एम नॉट क्लेमिंग कि यू आर गोइंग टू गेट मोर देन 50% क्वेश्चन फ्रॉम दिस वीडियो ओनली, बट येस इफ़ यू गो थ्रू ऑल द वीडियोज थॉरली देन आई एम क्वाइट श्योर कि आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होगा एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व मोर देन इनफ क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन. ठीक है, सो दिस दैट्स ऑल फॉर टूडेज वीडियो. थैंक यू वेरी मच. अगले वीडियो सेशन में हम हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, जो यूनिट 3 का ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, हम उससे कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं. टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड थैंक यू.